24 तारीख को सिरसा में या हुड्डा ग्राउंड में एक सेक्टर के ग्राउंड में एक बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जो एक बहुत देश के इतिहास में एक ऐसा किसान आंदोलन हुआ जहां एक साल से ज़्यादा लाखों की संख्या करोड़ों की संख्या में देश के किसान वर्ग ने अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ी इस बीजेपी की तानाशाही सरकार के खिलाफ, जिसमें 750 किसान और मजदूरों के अपनी जान की कुर्बानी दी। हम उन 750 किसान शहीदों को याद करेंगे। किसानों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। कुछ लोग इसको मिटाना चाहते हैं, इन बलिदान को हम मिटाना चाहते हैं। आज तक उनके मुंह से दो शब्द सहानुभूति के नहीं निकले। किसी भी सरकार में करुणा होनी चाहिए, आप किसान की बात और मांगों को ना माने, लेकिन अफसोस होना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पे 750 की संख्या कोई छोटी नहीं होती। सहानुभूति के दो शब्द आज तक किसी बीजेपी के किसी छोटे से छोटे पदाधिकारी ने नहीं बोले, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री तो क्या बोले। तो आज ये उनके अहंकार के खिलाफ एक रोष रैली भी है, 750 किसानों की श्रद्धांजलि रैली भी है। उनकी जो बलिदान व्यर्थ ना जाए ये भी हम संकल्प लेंगे कि किसान के अधिकारों के, गरीब के, मजदूर के और छोटे व्यापारियों के अधिकारों को सरकार ना कुचले आने वाले समय बड़े उद्योगपतियों के निशाने पे, ये संकल्प ले लेंगे। और साथ में इस रैली में हरियाणा में परिवर्तन की का बिगुल भी बजाया जाएगा, क्योंकि अब चुनाव निकट है। हरियाणा में 6-7 महीने का कार्यकाल बिना आचार संहिता की सरकार का बचा है, तो ऐसे में जब 6 महीने का कार्यकाल बचा हो किसी सरकार का, तो लोगों का, जनता का फैसला करने का समय है। और हरियाणा के लोगों ने परिवर्तन का मन बनाया है। कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब की नेतृत्व की तरफ हरियाणा के लोग देख रहे हैं और वही परिवर्तन का बिगुल हम यहाँ सिरसा में बजाएंगे। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है सर, लगातार लोगों के बीच रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, लगातार लोगों के बीच आप जा रहे हैं? बहुत अच्छा लोगों का रुझान है, हम हर रोज जा रहे हैं लोगों के बीच में। मैं समझता हूँ कि पूरा सिरसा जिले के एक एक गाँव से लोग इस रैली के अंदर शामिल होंगे। सर कौन कौन से नेता पहुंचेंगे, शिरकत कौन कौन करेगा? हुड्डा साहब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्य अतिथि होंगे। चौधरी उदय भान जी हमारे इस रैली की अध्यक्षता करेंगे।